शिक्षा के जिज्ञासुओं नमस्कार, आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जान ही रहे हैं, हम लोग शिक्षा शास्त्र विषय में शिक्षा मनोविज्ञान की चर्चा कर रहे हैं और इसके अंतर्गत अभी हम जो है आज जो बढ़ते हुए क्रम में बढ़ रहे हैं, तो शिक्षा मनोविज्ञान के कई प्रकरणों को हमने देखा। आज का जो हमारा प्रकरण है वह है स्मरण और विस्मरण, यानी रिमेम्बरिंग एंड फॉरगेटिंग, अर्थात याद करना और भूल जाना। जैसे कि देखिए, इसमें सामान्यतः हमने लिखा है स्मृति का तात्पर्य क्या होता है। स्मृति का तात्पर्य, मेमोरी का तात्पर्य क्या होता है, पूर्व अनुभूतियों को संचित करने की क्षमता। जैसे जो भी पूर्व अनुभूतियाँ हैं, पूर्व जो भी अनुभूतियाँ हैं उसको जब संचित कर लिया जाता है, यानी मस्तिष्क में उसको सजो लिया जाता है, जब उसको मस्तिष्क में रख दिया जाता है, तो वही क्षमता जो है स्मृति कहलाती है। स्मृति का तात्पर्य क्या है, स्मृति का तात्पर्य है कि मस्तिष्क में जो भी सूचनाएं हैं उन सूचनाओं को संचित करने की क्षमता, यानी उनमें रखने की क्षमता, जिसके द्वारा कि हम जब भी ज़रूरत पड़े, जो किसी भी नॉलेज, जो भी हमारा नॉलेज है, ज्ञान है, या फिर जो भी अनुभव है, जब भी ज़रूरत पड़ने पर उसको हम याद कर लेते हैं, यानी कि आवश्यकता पड़ने पर उसको पुनः प्राप्त कर लेना। यह जो ऐसी स्थिति है जिसके द्वारा हम अपने आवश्यकता अनुसार पूर्व में सीखे गए ज्ञान, अनुभव, अभिवृत्ति, दृष्टिकोण आदि को रखते हैं, तो जो रखना है, जो संचय होता है मस्तिष्क में, वह स्मृति कहलाती है। जब हम स्मरण और विस्मरण को तभी जान पाएंगे जब स्मृति को जानेंगे, इसलिए हमने पहला प्रकरण स्मृति को चुना है क्योंकि यही इसका आधार है। अब स्मृति के दो पक्ष होते हैं, इसके दो पक्ष होते हैं, एक धनात्मक पक्ष होता है जिसे स्मरण कहा जाता है। धनात्मक पक्ष का तात्पर्य है कि जो पूर्व की अनुभूतियां हैं, जो कि जो भी हमने पहले सीखा है, अनुभूति, ज्ञान, अनुभव, दृष्टिकोण, कुछ भी जो है, जो हमारा पहले विद्यमान है, पूर्व में जो विद्यमान था, उसको जो है आवश्यकता पड़ने पर याद करना, यानी उसका रिकॉल कर लेना, जब भी जरूरत पड़े वह आपके सामने आ जाए तो उसे आप क्या कहते हैं, उसे स्मरण कहते हैं। याद कर लेना यानी धनात्मक पक्ष है, ये स्मरण कहलाता है। और ऋणात्मक पक्ष जो होता है वह पूर्व की अनुभूतियों, ज्ञान आदि की आवश्यकता पड़ने पर याद करने में असफलता जो है, वह ऋणात्मकता जो है वही विस्मरण या फॉरगेटिंग कहलाता है। जब हमें ज़रूरत हो और हम पूरी पिछली बात को याद न कर पाएँ। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई भी चीज़ सीखे हुए हैं या किए हुए हैं, या फिर कुछ पहचान की बात है, जिसको हम कोशिश करने के बाद भी याद नहीं आ रहा है कि आपको कहाँ से कहाँ देखा हमने, तो इस तरह की बात आई। तो इसका मतलब जो पूर्व की अनुभूति थी उसकी आवश्यकता जब पड़ी है तो उसका रिकॉल नहीं हो पा रहा है, उसकी असफलता जो है यही विस्मरण या भूलना होता है। तो बेसिकली दो बातें इसमें आपको समझ लेनी चाहिए कि स्मृति का तात्पर्य क्या है, ज्ञान का संचयन है, और ज्ञान के संचयन के संदर्भ में इसके दो पक्ष होते हैं। संचयन जब आपकी आवश्यकता पड़ने पर आ जाए, आपके सामने प्रस्तुत हो जाए, तो वह यह स्मरण हो जाता है, रिमेम्बरिंग हो जाता है, और जब आवश्यकता पड़ने पर आपके सामने न आए तो वह विस्मरण हो जाता है, यानी भूलना हो जाता है, फॉरगेटिंग हो जाता है। स्मृति की जो तीन अवस्थाएं हैं, स्मृति के तीन अवस्थाएं, स्टेजेस हैं, पहला है संकेतन, और दूसरा है संचयन, और तीसरा है पुनर्प्राप्ति। पहला क्या है, पहला संकेतन है, दूसरा क्या है, दूसरा जो है, पहला संकेतन यानी एनकोडिंग है, एनकोडिंग, और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका संचयन यानी स्टोरेज, और तीसरा है पुनर्प्राप्ति। जो आपका पहला शब्द मिला है, यह जो एनकोडिंग मिला है, एनकोडिंग का क्या तात्पर्य होता है, एनकोडिंग का तात्पर्य यह है कि आप जब संकेतन जो है, इसमें क्या होता है कि किसी सूचना का, या आपके सामने जब कोई वाह उत्तेजना प्रस्तुत की जा रही है, तो उसका प्रत्यक्षीकरण कर लेते हैं। जैसे आपके सामने कुछ भी आता है, संकेतन का तात्पर्य हुआ, जैसे रेड सिग्नल आप जा रहे हैं ट्रैफिक पर, आप रोड सड़क पर हैं और चौराहे पर रेड सिग्नल दिखता है, तो रेड सिग्नल का एक्सपीरियंस आपके दिमाग में अगर संचित है, तो ये रेड सिग्नल वाह उत्तेजना जो है, ये आपके मन में
आपके आप प्रत्यक्षीकरण किए, देखना पड़ेगा आप उसको, ऑब्जर्व करेंगे, जब तक आप देखेंगे नहीं कुछ नहीं हो सकता है। आप ऑब्जर्व करेंगे और उसको जो है ऑब्जर्व करने के बाद जो है उसको नर्वस सिस्टम में एक संकेत के रूप में अपने रखेंगे, तंत्रिका तंत्र में एक रखेंगे। अर्थात जो है इसका का तात्पर्य है कि जो स्मृति चिन्ह बन रहा है, याद करना जो स्मृति है, स्मृति क्या होती है आप देखें ना, स्मृति याद अनुभूतियों को संचित करने की क्षमता है। तो स्मृति जो है वह एक स्मृति चिन्हों का भंडार है, जिसे आपके पिताजी कौन है यह आपकी स्मृति चिन्ह मस्तिष्क में बना हुआ है, आपकी माताजी कौन है, भाई बहन कौन है, या फिर आपके संदर्भ में बहुत सारे प्रत्यय हैं जिन्हें आप जानते हैं, वह संकेतन के अंतर्गत आता है। इनका पहले कोडिंग होती है, इनकोडिंग होती है, इनका पहले निर्माण होता है। माँ पिता भाई बहन या फिर कोई भी प्रत्यय जिसको हमने सीखा है, आपने सीखा है, अपने अपनी स्मृति में सजोया है, तो वह पहले दौर पे एनकोडिंग से गुजरता है। एनकोडिंग से गुजरने का मतलब मैंने उदाहरण दिया, जैसे आप पहली बार ट्रैफिक पर जा रहे हैं और आपको रेड सिग्नल देखता है, रेड सिग्नल आप नहीं देखते यानी प्रत्यक्षीकरण नहीं करते तो फिर कुछ सीख नहीं सकते। तो सबसे पहली शर्त कि ऑब्जर्व किए, ऑब्जर्व किए, आपने देखा कि रेड सिग्नल देखते ही सब लोग ब्रेक लगा के रुक जा रहे हैं। अब ब्रेक लगा के रुक जा रहे हैं तो आपने देखा कि सब लोग रुके हैं और आप भी रुके, तो आप एक बार दो बार तीन बार में यह बात अच्छी तरह से जान गए कि रेड सिग्नल का तात्पर्य होता है रुकना। ये आपके मस्तिष्क में एक स्मृति चिन्ह बन गई। तो इसे ही इस स्मृति चिन्ह के निर्माण की प्रक्रिया को ही संकेतन कहा जाता है, एनकोडिंग कहा जाता है। एनकोडिंग के बाद जो दूसरा स्टेप आता है संचयन या स्टोरेज। संचयन या स्टोरेज का क्या तात्पर्य है, जो आपने एनकोडिंग सीखा है कि रेड सिग्नल का तात्पर्य होता है रुक जाना, जब भी रेड सिग्नल देखना तो ट्रैफिक पर खड़े हो जाना, ब्रेक लगा देना, तो इसका आप संचयन करते हैं आपके मस्तिष्क में, स्मृति में यह जा करके स्टोर हो जाता है, रख लिया जाता है, संचित हो जाता है। और जब संचित हो जाता है तो तीसरा स्टेप जो प्राप्त होता है स्मृति का, ये रिट्राइवल है। रिट्राइवल का मतलब होता है पुनर्प्राप्ति। पुनर्प्राप्ति मतलब आपने जब यह है लाल सिग्नल संकेत देखने के बाद, लाल बत्ती देखने के बाद अपने मस्तिष्क में सेव कर लिया कि लाल बत्ती का तात्पर्य रुक जाना, और आपने उसको मस्तिष्क में सुरक्षित रख दिया, तो अगली बार जब भी आपके सामने लाल सिग्नल दिखाई पड़ेगा तो पुनर्प्राप्ति आप करेंगे कि लाल सिग्नल का तात्पर्य क्या होता है, रुक जाना। तो लाल सिग्नल का तात्पर्य रूप जानना जब आपने सीख लिया है, स्टोर कर लिया है, तो इसकी पुनर्प्राप्ति कर लेते हैं। अब स्मृति के जो होते हैं चार तत्व होते हैं, फोर एलिमेंट्स होते हैं। पहला तत्व तो क्या है, अधिगम है। पहला तत्व तो इसका है अधिगम। अधिगम का तात्पर्य लर्निंग होता है। लर्निंग के चैप्टर में हमने इसको बारे में समझा होगा, फिर भी थोड़ा सा जान लेते हैं लर्निंग बेसिकली क्या है। अधिगम यानी सीखना मूलतः होता क्या है। सीखने का मूल तात्पर्य जो होता है वह यह है, एक लाइन में कहें तो यह व्यवहार का परिमार्जन है। किसी भी संदर्भ में जब हम अपने व्यवहार को उन्नयित कर लेते हैं, उन्नयन कर लेते हैं, परिमार्जित कर लेते हैं, तो यही सीखना कहलाता है। जैसे आप साइकिल चलाना सीखे थे, जैसे आप लिखना सीखे हैं, जब तक आप नहीं लिखना जानते थे आप गोला कब लिखने के लिए प्रयास करते थे तो उल्टा कब बनता था, इस तरह से आपने एक एक क्रम आगे बढ़ते हुए उसको सीधा बनाना सीख लिया, तो ये आपके व्यवहार का परिमार्जन हो गया। ये मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर है, बेसिकली देखा जाए तो यही है अधिगम। इसमें कुछ बातें शर्त होती हैं कि ये जो व्यवहार का परिमार्जन होता है यह किसी बाह्य प्रभाव, नशा, दवा आदि के कारण न होना चाहिए और अपेक्षाकृत स्थायी होना चाहिए, उसे ही सीखना कहा जाता है। दूसरी बात है धारणा, रिटेंशन। रिटेंशन धारण करना, धारण करने का मतलब है उसको स्वीकार कर लेना, समा लेना अपने में, उसको संचित कर लेना। जैसे अधिगम जिस बात की होती है अगर वह धारित न किया जाए मस्तिष्क के द्वारा, आप में आपके मस्तिष्क में उसका संचयन नहीं होता है, यानी उसको आप रिटेंस नहीं करते हैं। बहुत बार होता है कि हम सीखते तो हैं लेकिन उसको भूल जाते हैं, इसलिए भूल जाते हैं कि कभी ज़रूरत होती है भूल जाने की और कभी
बिना जरूरत के भी हम भूल जाते हैं तो रिटेंशन उसका नहीं होता है, उसका धारणा नहीं होता है, उसका जो समावेशन है आपके मस्तिष्क में नहीं होता है। जब तक उसका इंटीग्रेशन आपके माइंड में नहीं होगा वह तब तक धारणा का स्वरूप नहीं धारण करता है। तीसरा और चौथा है पुनः स्मरण। पुनः स्मरण अर्थात रिकॉल। रिकॉल का तात्पर्य क्या है? रिकॉल का तात्पर्य है जब भी जरूरत पड़े आपको तो सीखी गई बात को आप याद कर सकें, पा सकें, दैट इज रिकॉल। फोर्थ एलिमेंट इज रिकॉग्निशन। फोर्थ एलिमेंट इज पहचान यानी रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन यानी यही है पहचान का तात्पर्य। क्या होता है? आपके जो मस्तिष्क में स्मृति चिन्ह बने हुए हैं उन स्मृति चिन्हों के मिलान के आधार पर प्रस्तुत जो प्रत्यय है आपके सामने वर्तमान में जो सामने है उसको पहचान लेना, उसको समझ लेना कि ये है क्या है। तो इस तरह से हमने जो देखा इसमें आज स्मृति के इस प्रकार को इसमें समझा है कि स्मृति क्या होती है, इसकी अवस्थाएं क्या होती हैं। अब हम क्या देखते हैं इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और स्मृति के प्रकार को देखते हैं। क्या देखना चाह रहे हैं? अब हम स्मृति के प्रकार को देखते हैं। स्मृति के संदर्भ में आपने जाना क्या है? स्मृति पूर्व अनुभूतियों का, जो हमारी पूर्व अनुभूतियां हैं उनको संचित करने की जो क्षमता है, आप इतना जान चुके कि उसको संचित करने की क्षमता है। जब तक हम उसको संचित ना कर लें जो हमारी अनुभूतियाँ हैं वह स्मृति में नहीं जाती हैं, और जब वो संचित हो जाती हैं तो वह संचित चीज़ें जो संचित ज्ञान है, कौशल है, अभिवृत्ति है, कुछ भी है, वह दो पक्षों में बंट जाती है। पहला पक्ष हो जाता है कि वह धनात्मक पक्ष है और दूसरा पक्ष हो जाता है ऋणात्मक पक्ष। धनात्मक पक्ष का तात्पर्य है कि जब भी आवश्यकता पड़े आप उसको याद कर सकें, और ऋणात्मक पक्ष का तात्पर्य है कि आवश्यकता पड़ने पर भी अगर याद नहीं आता है तो उसे आप क्या कहते हैं? तब उसे आप कहते हैं वह फॉरगेटिंग हो जाती है। तो इस तरह से आपने देखा तीन तत्व होते हैं और इसके तीन अवस्थाएं होती हैं और चार तत्व होते हैं। अब हम बात करते हैं स्मृति के प्रकार की। स्मृति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेमोरी। आपने स्मृति को देख लिया क्या है? स्मृति यानी मेमोरी क्या है इसको आपने देखा। अब हम स्मृति के प्रकार की बात करते हैं, टाइप्स की बात करते हैं। कितने टाइप्स हो सकते हैं इसके? जो है मूलतः सेंसरी मेमोरी यानी संवेदी स्मृति, लघु अवधि स्मृति, दीर्घ अवधि स्मृति, ये मुख्य तीन स्मृतियां हैं। इसको मुख्यतः तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला है संवेदी स्मृति। संवेदी स्मृति का तात्पर्य यह है सेंसरी यानी जो आपके सेंसर से जुड़ी हुई है, सेंसरी यानी जो आपके शारीरिक अनुभवों के सेंसरी मोटर सेंसर इस मेमोरी आप स्मृति कहें अब मेमोरी हाँ मेमोरी ही है संस्कृति सेंसर इस मेमोरी जो है यह सेंसर मेमोरी या सेंसरी मेमोरी जो है ना इसका तात्पर्य है कि संवेदी स्मृति। संवेदी स्मृति का तात्पर्य है कि जिसमें सूचनाओं को सामान्यतः एक बहुत अल्प समय के लिए व्यक्त करता है रखता है। इसमें जो है ना प्राप्त सूचनाओं को उनके मौलिक रूप में अर्थात उसमें बिना किसी बदलाव के हेर फेर के रखा जाता है। यही संवेदी सूचनाएं या संवेदी जो रजिस्टर होता है इसके दो तरह का होता है। पहला होता है प्रतिमा संबंधी, प्रतिमा संबंधी या दूसरा होता है प्रतिध्वन संबंधी। प्रतिमा संबंधी का मतलब कि जब आप किसी इमेज को देखते हैं, ये दो प्रकार का होता है। एक तो है प्रतिमा प्रतिमा संबंधी स्मृति और दूसरी है प्रतिध्वनि। आपको हमने बताया ना कि जो सेंसरी मोटर इस मेमोरी सेंसरी मेमोरी होती है यह सेंसरी मेमोरी जो है यह संवेदी स्मृति मूलतः यह तंत्रिका तंत्र की स्मृति है। बेसिकली इसमें जो होता है नर्वस सिस्टम में जो सूचनाएं हमारे मोटर जैसे आपने सेंसरी मोटर स्टेट जिन पियाजे का समझा था
तो यहाँ संवेदी गामक अवस्था से नहीं मतलब है, लेकिन संवेदी स्मृति से तात्पर्य है। तो जो हमारी इंद्रियों से, जो हमारी इंद्रियों के द्वारा सूचनाएं मिल रही हैं, उनको कैसे रख रहा है, जैसे आप गर्म चीज़ें, ठंडी चीज़ें, या फिर प्रतिमा बनी हुई है, आप कुछ लोग जैसे होते हैं कि देख नहीं पा रहे हैं, दृष्टि दोष है या दृष्टिहीन है, तो उनके मन में एक हाथ, जैसे उदाहरण दिया गया है ना कि एक हाथी को दिखाया जाए तो सात लोग जो दृष्टिहीन थे कैसे कैसे हाथी की व्याख्या करते हैं, तो जिसके मन में जितना जिसने अनुभव प्राप्त किया था उसकी इमेज उतनी बनी थी, प्रतिध्वनि उतनी बनी थी, इसलिए वह उस तरह की स्मृति को बता रहा था। और प्रतिध्वनात्मक उसकी आवाज़ के आधार पर कैसे आप पहचान लेते हैं, जैसे कितना भी संसार के लोग हों, ये 7 अरब की लगभग जनसंख्या है, इस 7 अरब में भी सबकी में इमेज अलग है, प्रतिमा सबकी अलग है, सबकी ध्वनि अलग है, तो दोनों ही जो हैं ये सेंसरी इसमें मेमोरी में आती हैं। ये जो सेंसरी मेमोरी होती है ना, बहुत ही कम समय की होती है, तत्काल जानी जाती है। दूसरा होता है शॉर्ट टाइम मेमोरी, STM, शॉर्ट टाइम मेमोरी, यानी इसे STM भी कहा जाता है, फुल फॉर्म आप समझ लीजिए, शॉर्ट टाइम मेमोरी यानी लघु अवधि स्मृति। लघु अवधि स्मृति, जो लघु अवधि स्मृति है, इसका तात्पर्य ये तो अल्प अवधि स्मृति है, ये जो होती है सेंसरी मेमोरी जो होती है यह बहुत ही कम समय के लिए होती है, ये लघु है। अगर समय के हिसाब से कहें तो ये 1 सेकंड के आसपास इस सेंसरी मोटर सेंसरी मेमोरी काम रखी जाती है, इतने संदर्भ में ही एक्टिव होती है और संचित होती है। शॉर्ट टाइम मेमोरी जो होती है, लघु अवधि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है, इसका जो था ना, इसे विलियम जेम्स ने प्राइमरी मेमोरी भी कहा था। किसने कहा था? विलियम जेम्स। प्राइमरी मेमोरी यानी यह मुख्य स्मृति है, विलियम जेम्स ने कहा कि यह प्राइमरी मेमोरी है। ये प्राइमरी का मतलब आप जान रहे हैं ना, मुख्य स्मृति, यह प्राथमिक स्मृति है। यह क्या है? यह प्राथमिक स्मृति है। तो प्राइमरी मेमोरी का क्या तात्पर्य है? बेस जो होता है, जो आपके सामने बेस के रूप में काम करता है, वह प्राइमरी मेमोरी होती है। जैसे यह जो होता है, ये 20 से 30 सेकंड तक धारित करके इसको रखा जाता है, जैसे 1 सेकंड यह था, यह 20 से 30 सेकंड तक इसको धारित किया जाता है, 20 से 30 सेकंड तक इसको धारित कर लिया जाता है। ये जो है ना, इसके विषय में व्यक्ति जो है 1 या 2 प्रयासों से सीखे में ही सीखे हुए होता है, यानी इसमें सीखने की मात्रा कम होती है। जैसे अगर मान लिया जाए कि कोई आदमी किसी अपरिचित से टेलीफोन पर बातचीत करने के लिए उसके टेलीफोन का नंबर डायरेक्टरी से लेकर डायल करता है, व्यक्ति जो है संकेत यानी 10 सेकंड रुककर पुनः डायल करना चाहता है, परंतु इस बार वह नंबर के सही क्रम को थोड़ा सा अंतर कर देता है, तो लघु अवधि इसमें 10 सेकंड का दिखाया गया और उस परिचित को के नंबर को भी मात्र 1 बार में अभ्यास में लाया गया। तो कई बार होता है कि हमें नंबर को याद हो जाता है, नंबर इधर, लेकिन 10 सेकंड के बाद हो, कुछ देर बाद आप गैप कर देते हैं, तो 20 से 30 सेकंड के बाद, तो ये जो मेमोरी है आपकी वो थोड़ा सा पुअर हो जाती है, लैप्सेशन इसमें दिखाई देने लगता है, जिसके कारण आप गलती कर देते हैं। और जो तीसरी मेमोरी होती है, ये जो होती है, इसे जो है सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी LTM, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है और तीसरी मेमोरी का प्रकार है LTM, लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी दीर्घ अवधि स्मृति, यह दीर्घ अवधि स्मृति है। दीर्घ अवधि स्मृति आप नाम से ही देख रहे हैं, एक तो संवेदी स्मृति बिल्कुल अल्प अवधि स्मृति हो गई, दूसरी लघु अवधि स्मृति हो गई, और तीसरी है दीर्घ अवधि स्मृति। जो दीर्घ अवधि स्मृति है, इसको जो है कम से कम 30 सेकंड तक याद रख सकते हैं, कम से कम 30 सेकंड तक,
जैसे इसमें 20 से 30 दिया है, लेकिन बेसिकली 10 सेकंड भी माना जाता है, कई लोग इसको 10 सेकंड तक ही मानते हैं कि 10 सेकंड तक जो धारित की जाए, लेकिन इसको 30 सेकंड तक, इसको कितना है, इसको आप यहाँ देख लीजिएगा, 30 सेकंड तक इसको याद करके रखा जा सकता है। दीर्घावधि स्मृति को विलियम जेम्स यही महोदय ने कहा, यह सेकेंडरी मेमोरी है। यह क्या है? यह सेकेंडरी मेमोरी है, गौण स्मृति है। कौन सी स्मृति है? गौण स्मृति। यानी महत्वपूर्ण कौन है? आप गौण महत्वपूर्ण है या फिर प्राथमिक? तो प्राथमिक महत्वपूर्ण होता है, लेकिन यहाँ हमें देखना है कि सेकेंडरी स्मृति क्या होती है। विलियम जेम्स ने इसे गौण स्मृति कहा, सेकेंडरी मेमोरी कहा। इस तरह की स्मृति में व्यक्ति किसी पाठ या घटना आदि के को कम से कम 30 सेकंड तक याद किए रखता है, और अधिक से अधिक कितने दिनों तक याद रखता है। देखिए यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड था, यहाँ कम से कम 30 सेकंड और कई दिनों तक, अधिक से अधिक कई दिनों तक याद कर सकता है। ये बात है कई दिनों तक। आप पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं परीक्षा की, तो जो आपकी इस समय की मेमोरी है, LTM है, लॉन्ग टर्म मेमोरी है, इसको आप कई दिनों तक याद रखने का प्रयास करते हैं, और कम से कम 30 सेकंड में याद कर, 30 सेकंड और अधिकतम कई दिनों तक, या फिर कई वर्षों तक, कई सालों तक, बहुत दिनों तक याद कर सकते हैं। जैसे जो है, आप कोई पाठ पढ़ाया गया, परीक्षा में आप प्रश्न पूछा जाता है, तो प्रश्न उत्तर जो आप उत्तर लिखते हैं वह लॉन्ग टर्म मेमोरी का एग्जाम्पल होता है। आप दीर्घ अवधि स्मृति के उदाहरण के स्वरूप आप वहाँ बताते हैं, तो इसको जो है व्यक्ति बहुत दिनों तक याद रखता है। तो यहाँ जो है थोड़ा सा और हम एक उदाहरण देते हैं, इसकी जो दीर्घावधि स्मृति है इसके दो प्रकार हैं। एक तो है प्रासंगिक स्मृति, एपिसोडिक मेमोरी, और दूसरी है सेमेंटिक मेमोरी यानी अर्थग्रत स्मृति। यह दो प्रकार की होती है। कौन सी? ये जो LTM है यह दो प्रकार की होती है। पहला इसका है प्रासंगिक स्मृति, यह दो प्रकार का होता है। पहला इसका है प्रासंगिक स्मृति। प्रासंगिक स्मृति का क्या तात्पर्य है? प्रसंगवत जो स्मृति तैयार हो जाए वह प्रासंगिक है। और दूसरा है अर्थगत स्मृति, अर्थ के साथ तैयार होती है। आपके लिए यही स्मृति ज़्यादा आवश्यक है। कौन सी? अर्थग्रत। ये प्रासंगिक स्मृति और दूसरा क्या है? अर्थकृत स्मृति। प्रासंगिक स्थिति स्मृति का तत्व एपिसोडिक। एपिसोडिक मेमोरी क्या मतलब क्या होता है? इस तरह की स्मृति में व्यक्ति वैसी या घटना वैसी स्मृतियां, अनुभवों, घटनाएं होती हैं जो अस्थाई रूप से अस्थाई रूप से व्यक्ति के साथ घटित हुई होती हैं। जैसे अभी जैसे आप कोई शिक्षा विद्यालय में आप पढ़ाते हैं और बच्चा कहता है कि बचपन के दिन में उसके जो है हिमालय पर बीते थे या उत्तराखंड में बीते थे, तो जब वहाँ जब यहाँ 9 बजते थे तो परीक्षा भवन में होगा, यह प्रासंगिक स्मृति है। तो वहाँ मतलब जैसे आप कहीं जाते हैं तो ऐसा आपको लगता है ना कि ऐसा था, इस समय में यहाँ था। आज जैसे आज की तारीख के पिछले साल आप कहाँ थे, तो आज की तारीख में आप याद करेंगे पिछले साल क्या कर रहे थे इस समय, तो दैट इज आपकी प्रासंगिक स्मृति है। उसका तात्पर्य है कि ये आपकी जो है एपिसोडिक मेमोरी है। एपिसोडिक का तात्पर्य आप समझ ही गए होंगे कि प्रसंग बस आपको याद हो रहा है समय के कारण या फिर किसी और कारण से ये याद हो रहा है कि हाँ आज के दिन हम कहाँ थे। और दूसरा है सेमेंटिक मेमोरी, अर्थगत, सीमेंटिक मेमोरी यानी अर्थगत स्मृति। अर्थगत स्मृति क्या होती है? अर्थगत स्मृति में जो आप हैं वे मतलब शब्दों को, प्रत्ययों को या किसी तथ्य के अर्थ को संचित करते हैं। अब जैसे जो है BOY, बच्चा क्या दे BOY का मतलब क्या समझता है? BOY का मतलब बॉय होता है अर्थात लड़का होता है। अब जो है आप अर्थगत अर्थ जानते हैं कि सभी मनुष्यों के दो हाथ होते हैं। आप तीन हाथ वाला मनुष्य देखेंगे तो थोड़ा सा आप में अजीब फीलिंग होगी कि अर्थगत स्मृति में आपके सामने सिर्फ दो ही हाथ का मनुष्य आया है। तो इस प्रकार से जो स्मृति है यह स्मृति के संदर्भ में हमने देखा। अब हम बात करते हैं स्मृति के आगे
था आप जो जो हमारा विषय है वह है आज का स्मरण और विस्मरण। तो स्मरण की बात करते हैं तो स्मरण का क्या तात्पर्य होता है। स्मरण का तात्पर्य होता है किसी बात को याद करना। जैसे आपने देखा कि स्मृति के दो पक्ष होते हैं। स्मृति के दो पक्ष में पहला पक्ष क्या है, पहला पक्ष है धनात्मक पक्ष। धनात्मक पक्ष का तात्पर्य होता है कि जब हम किसी याद की हुई बात को आवश्यकता पड़ने पर पुनः रिकॉल करने में सफल हो जाते हैं तो वह हमारा क्या कहलाता है, वही हमारी रिमेम्बरिंग कहलाती है। यानी याद इस जो उसका याद करना है उसे रिमेम्बरिंग यानी स्मरण कहते हैं। और दूसरा इसका ऋणात्मक पक्ष है। ऋणात्मक पक्ष का तात्पर्य है कि जब हम किसी बात को आवश्यकता पड़ने पर भी जरूरत पड़ी कि आप देखिए कौन मिला था, इस ये व्यक्ति हमें कहीं देखा सुना लग रहा है, पहचाना लग रहा है कि कहीं हम इनसे मिले हैं, तो लेकिन वो व्यक्ति जो है आपको याद नहीं आ रहा है, तो याद नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपको आवश्यकता पड़ी और याद नहीं कर पाए। तो थोड़ा सा हम जो है स्मरण का जो अर्थ होता है इसको देखते हैं कि स्मरण यानी रिमेम्बरिंग क्या होती है। मेमोरी जो है एक परिभाषा हम यहाँ देखेंगे कि वुडवर्थ ने कहा कि मेमोरी कंसिस्ट इन रिमेम्बरिंग व्हाट हैज प्रीवियसली बीन लर्न्ड। क्या कह रहे हैं वुडवर्थ महोदय की एक परिभाषा हम देख रहे हैं। वुडवर्थ महोदय ने कहा कि मेमोरी कंसिस्ट इन रिमेम्बरिंग व्हाट हैज प्रीवियसली बीन लर्न्ड, अर्थात पूर्व में सीखे गए ज्ञान का प्रत्यक्ष उपयोग ही स्मृति है। जो पूर्व में सीखा गया ज्ञान है, पूर्व में सीखे गए ज्ञान का प्रत्यक्ष उपयोग वर्तमान में उपयोग जो है वह